हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो वुमेन होती हैं उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। कॉमनली ये पता नहीं होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है फीमेल को, उसके लिए वो क्या करे। तो आज हम बात करेंगे उसके बारे में कि कौन कौन सी दिक्कत होती है और आप इसके लिए जनरली घर पे कौन सा ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं या फिर कैसे ऐसे प्रिकॉशन ले सकते हैं जिसकी वजह से आपको रिलीफ मिल जाएगी। जनरली तो सब जो भी वुमेन्स होती हैं उनको फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जैसे ही वो बेबी कंसीव करती है। आफ्टर 2 या 3 वीक के बाद प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है। जैसे सबसे पहले जो वुमेन होती है उसको होता है नोजिया और ऑमटिंग। ये जो मेनली होता है ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है। ये नोजिया एंड ओमटिंग की प्रॉब्लम्स होती है जिसको हम मेडिकली अगर देखा जाए तो मेडिकल में उसको हम मॉर्निंग सिकनेस के नाम से जानते हैं, मॉर्निंग सिकनेस। अब ये मेनली जो नोजिया वोमिटिंग होता है या मॉर्निंग सिकनेस होता है ये किस वजह से होता है। देखिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो वुमेन होती है जब वो बेबी कंसीव करती है तो उस समय एक हार्मोन होता है जिसको HCG हार्मोन्स बोलते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। इसका जो लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से जो फीमेल्स होती हैं उनको नोजिया और ओमटिंग की सिचुएशन होती है। जैसे बहुत ज़्यादा अगर नोजिया हो रहा है, बहुत ज़्यादा ओमटिंग हो रही है तो उसको एक मेडिकली टर्म दिया गया है। वैसे तो दिन भर में 2 या 4 ओमटिंग सही है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो ये माँ के लिए और साथ ही जो उसने बेबी कंसीव किया हुआ है उसके लिए, दोनों के लिए हेल्दी नहीं है। बहुत ही ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है क्योंकि होता है कि फ्लूड की कमी हो सकती है जिसकी वजह से हो सकता है मदर को इंट्रावेनस फ्लूड लेना पड़े। तो अगर 2 से 4 ओमटिंग हो रही है तो ये तो नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा ओमटिंग हो रही है, 24 आवर में 10 to 12 हो जा रहा है, 10 से अबव हो रहा है, तो उसको एक मेडिकली टर्म दिया गया है जिसको बोलते हैं हाइपर इमेसिस ग्रेविडारम। ग्रेविडारम ये एक मेडिकल टर्म है। जब नोजिया ओमटिंग जो ओमटिंग होती है वो अधिक होती है, 24 आवर में 10 या 12 बार से ज़्यादा होती है, तो उस समय मेडिकली टर्म में उसको हाइपर इमेसिस ग्रेविडारम बोलते हैं। इसके लिए हम मेडिसिन यूज करते हैं या फिर इंट्रावेनस फ्लूड भी देते हैं जिससे जो मदर का फ्लूड का बैलेंस होता है उसको मेंटेन करके रखा जा सके। देखेंगे कि जो नोजिया वोमिटिंग की कंडीशन होती है उसमें हम नॉर्मली क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो देखिए, अगर ज़्यादा मदर को प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे अगर 24 आवर में 12 से 14 बार अगर ओमटिंग हो रही है तो फिर आप जनरली डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं फीमेल को और जो भी मेडिकेशन है वो ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको 2 से 4 या 6 ओमटिंग हो रही है दिन भर में तो इसके लिए आप जनरली घर में भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं उसके लिए, जो फीमेल होगी जिसने प्रेगनेंसी कंसीव की हुई है उसको हमको ये एडवाइस करना है कि जब भी वो सो के उठती है नाइट में सोने के बाद, जब वो सुबह उठती है तो डायरेक्टली वो बिस्तर से उठने के बाद तुरंत खड़ी ना हो। उसको 2 से 10 मिनट, 2 से 4 मिनट 10 मिनट तक बेड पे बैठ के रेस्ट करना चाहिए, अपनी बॉडी को थोड़ा सा मूव करना चाहिए, उसके बाद खड़ा होना चाहिए। खड़े होने के बाद ये भी नहीं है कि डायरेक्टली वो वॉक करने लगे, वॉक नहीं करना चाहिए। आप जब खड़े होते हो, बेड छोड़ते हो, खड़े होने के बाद आपको 2 से 5 मिनट तक खड़े होकर जो दीवार है वॉल के सहारे रेस्ट लेना चाहिए। आफ्टर देन फिर आप वॉकिंग कर सकते हो, लेकिन वॉकिंग करने के पहले यहाँ पे भी है कि अगर आप बचना आते हैं ओमटिंग से तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अमाउंट में लिक्विड या फिर आप टी ले सकते हैं, कॉफ़ी ले सकती हैं और साथ ही 1 या 2 बिस्किट। बिना बिस्किट चाय के या पानी पिए आप वॉकिंग पे ना जाएं। जब आप ये ले लेंगी तो इसके बाद आपको नोजिया ओमटिंग कम होगा, क्योंकि नोजिया ओमटिंग अधिकतर खाली पेट होता है और इसमें मेन इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो लेडी है जिसने प्रेगनेंसी कंसीव कर रखी है वो हर 2 घंटे 3 घंटे में कुछ ना कुछ स्नैक्स लेती रहे। सपोज दैट कि अगर वो खाना खा रही है 2 टाइम तो उसी खाने को वो 4 टाइम खाए। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई औरत है वो 2 रोटी खाती है तो उसको वो 2 रोटियों को 2 बार में खाना चाहिए,
एक रोटी एक बार खाइए और एक रोटी दूसरी बार खाइए। इससे क्या होता है, जो आपका खाना है, जो डाइट है आपकी, उसको आप उतना ही रखिए, लेकिन जो उसकी फ्रिक्वेंसी है उसको बढ़ा दीजिए। जो आप चीज़ दो बार खा रहे थे उसको आप चार बार खाइए। हर दो घंटे तीन घंटे के अंतराल पर कुछ ना कुछ लेते रहिए, स्नैक्स लेते रहिए, फ्रूट लेते रहिए, जूस लेते रहिए, खाना लेते रहिए। इससे क्या होगा कि आपका जो वोमिटिंग का लेवल है वो थोड़ा सा मेंटेन रहेगा और जो फ्लूड होता है उसकी भी आपको कमी नहीं होगी। आप जो डाइट ले रही हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो आपकी जो डाइट है वो ऐसी होनी चाहिए कि लाइट हो, मतलब उसको डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम ना लगे। जैसे बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि अगर आपको नोजिया वोमिटिंग है और उस समय आप ऐसी डाइट ले रहे हैं जो बहुत ज़्यादा ऑयली है, फैटी है, तो साधारण सी बात है कि उसको पचने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा और साथ ही आपको कॉम्प्लिकेशन होंगे। तो इसलिए आप लिक्विड डाइट अधिक से अधिक लीजिए और साथ ही लाइट डाइट लीजिए, जैसे दलिया है, खिचड़ी है, स्नैक्स है, ब्रेड है, टी है, मिल्क है, और अधिक प्रोटीन वाली चीज़ें भी बिल्कुल नहीं लीजिएगा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन्स 3 महीने तक आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। 3 महीने बाद क्या होता है कि जनरली औरतों में जो नोजिया वोमिटिंग कंडीशन होती है वो डिसअपियर हो जाती है। कुछ औरतों में होता है कि ये लॉन्ग टाइम तक चलती है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर नोजिया वोमिटिंग आपको 24 आवर में 4 से 6 बार हो रही है तो ये जनरल कंडीशन है, लेकिन अगर 10 से 12 बार हो रही है, इससे ज़्यादा हो रही है, तो फिर यहाँ पे दिक्कत वाली बात है, फिर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए। नेक्स्ट जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो होती है बैकेज की प्रॉब्लम। ये अधिकतर होती है थर्ड ट्राइमेस्टर में, जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उसी में इसकी दिक्कत होती है, क्योंकि उस समय क्या होता है कि जो बॉडी पोस्चर होता है फीमेल का वो चेंज होता है। जब मदर का थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू होता है, मीन्स 6 के बाद जब 7th मंथ स्टार्ट होता है, तो उस समय जो यूट्रस होता है उसका शेप साइज बढ़ गया होता है, क्योंकि बेबी भी अब बड़ा हो गया होता है। तो उस समय क्या होता है कि जो नॉर्मल स्पाइनल होती है, वर्टेब्रा होती है, तो ये क्या होती है कि इसका जो ये पोस्चर वाला, ये वाला पार्ट है, ये यहाँ पे यूट्रस हो गया जिसका साइज बढ़ रहा है कंटिन्यूस, और ये बैक है। तो इस समय क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जैसे ये यूट्रस बढ़ रहा है तो जो बैक साइड का एरिया होता है, ये वर्टेब्रा होती है, यहाँ पे एक खिंचाव होता है। खिंचाव इसलिए होता है कि यहाँ पे पेल्विक जो रीजन है वहाँ पे एक प्रेशर भी पड़ रहा है, साथ ही यूट्रस का शेप बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पीछे से प्रेशर लग रहा है, जिसकी वजह से जो मदर का पोस्चर है वो चेंज हो रहा है। पोस्चर चेंज होने की वजह से मदर को पेन फील हो रहा है। प्रेगनेंसी मदर बहुत ज़्यादा आयरन रिच डाइट लेती है, जिसकी वजह से उसको कॉन्स्टिपेशन होता है, या फिर यूट्रस प्रेशर की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है, तो उसकी वजह से भी बैकेज होता है। साथ ही अगर यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया है फीमेल को तो उस समय भी बैकेज होता है, लेकिन जो जनरल कंडीशन है बैकेज होने की वो मेनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो इसलिए होता है, सिर्फ पोस्चर के चेंजेस की वजह से होता है, क्योंकि पोस्चर चेंज हो रहा है, जो बैक का प्रेशर होता है वो बढ़ रहा है, जो पेल्विक रीजन होता है, पेल्विक बोन्स होती हैं, उनमें एक प्रेशर अप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे यूट्रस तो बढ़ रहा है, साथ ही जो हमारी स्पाइनल होती है, ये जो हमारा वर्टेब्रा है, ये वर्टेब्रा हमारी है, तो ये वर्टेब्रा जो होती है वो बैक साइड से अंदर की तरफ प्रेस हो रही है, इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे यूट्रस बढ़ रहा है, यूट्रस ये बढ़ रहा है और इधर जो वर्टेब्रा है ये अंदर की तरफ धंस रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे पोस्चर चेंज हो रहा है, पोस्चर चेंज होने की वजह से बैकेज हो रहा है। तो इसमें जो जनरल ट्रीटमेंट है वो क्या हम ले सकते हैं, देखिए इसमें ध्यान देने की बात है कि पोस्चर तो चेंज हो ही रहा है, तो इसके लिए आप जनरली मसाज का यूज कर सकते हैं, आप बैक मसाज कर सकते हैं, जिसकी वजह से मे बी जो मदर होगी उसको रिलीफ मिलेगा। साथ ही मदर को इस बात का भी ध्यान रखना है कि वो जहाँ पे स्लीपिंग कर रही है, जो उसका बिस्तर है वो पूरी तरह से फ्लैट होना चाहिए। जैसे बहुत ज़्यादा दबाव वाले बिस्तर का यूज नहीं करना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए कि जिस बिस्तर पे आप सो रही हैं, अगर उसकी हाइट 5 to 6 inch से अबव है तो वहाँ पे दिक्कत होगी, क्योंकि जब आप लेटेंगी तो वो कंप्रेस होगा, कंप्रेस होने की वजह से आपको बैक पेन की प्रॉब्लम्स होगी। तो आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी
आप जो भी बेड यूज कर रही हैं वो बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिए, जिसकी वजह से आप बैकेज से बच सकती हैं। साथ ही जो फीमेल्स है जिसने प्रेगनेंसी कंसीव की हुई है वो हाई हील सैंडल का बिल्कुल यूज ना करें, क्योंकि जब हम हाई हील सैंडल का यूज करते हैं तो उसकी वजह से जो हमारा काफ है और पेल्विक है इन दोनों पे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से भी बैक पेन होता है। अगर पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बैकेज बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप एक पेल्विक गर्डल बेल्ट आता है, पेल्विक गर्डल बेल्ट आता है जिसका आप यूज कर सकते हैं। ये क्या होता है कि बैक साइड से आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, जिससे आपको बैकेज में रिलीफ मिल सकता है। बैकेज बहुत ज़्यादा है तो इसके लिए आप मेडिकली ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बिना मेडिकली ट्रीटमेंट के, बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई भी मेडिकेशन नहीं लेना चाहिए, नहीं तो ये मदर के लिए और फिटस के लिए दोनों के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो अगर आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो अगर आप मेडिसिन ले रही हैं तो उसके पहले आपको एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, ऐसे किसी मेडिसिन को आपको नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती है वो होती है कॉन्स्टिपेशन की। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो फीमेल्स होती हैं उन्हें अधिकतर कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है, जैसे जिसको हम हिंदी में कब्ज बोलते हैं। ये क्यों होती है? क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद एक हार्मोन्स होता है जिसको कहते हैं प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन नाम का एक हार्मोन्स होता है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसका जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। लेवल बढ़ने की वजह से जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में वो अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से डाइजेशन नहीं होता है और साथ ही कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स होती है। और साथ ही इसमें एक और रीजन इंक्लूड होता है कि जब मदर बेबी कंसीव करती है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद 3 मंथ के बाद जो यूट्रस होता है वो स्लोली स्लोली इनलार्ज होना शुरू कर देता है, और साथ ही जब वो 6 मंथ से एबव होता है, 6 मंथ के बाद वो कुछ ज़्यादा ही इनलार्ज हो जाता है यूट्रस, जिसकी वजह से जो ब्लैडर होता है उस पर इनडायरेक्टली एक दबाव पड़ता है, उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स होती है। अब जनरली कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए या फिर उसमें थोड़ा सा रिलीफ पाने के लिए जो वुमेन है वो क्या कर सकती हैं, तो इसके लिए आप सबसे जो आसान तरीका है वो ये है कि आप अधिक से अधिक मात्रा में जो रफेज डाइट है उसको लें और अधिक से अधिक मात्रा में पानी पिएं, और सबसे कॉमन चीज़ कि आप सुबह जब बिस्तर छोड़ती हैं तो उस समय तो आप हल्की कुछ स्नैक्स वगैरह लेती ही हैं, लेकिन उस समय आप एक गिलास गर्म पानी का यूज ज़रूर करें। और अगर कोई ऐसा ट्रीटमेंट आपका नहीं चल रहा है या फिर डॉक्टर ने कोई ऐसा प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है कि आपको कम पानी पीना है, तो आप 8 से 10 गिलास पानी पीजिए या फिर इससे एबव भी पी सकती हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिलेगा। और अपनी आपकी जो डाइट है, डाइट में आप जो ऑयली फूड होगा या फिर बहुत ज़्यादा फ्राई फूड होगा उसको अवॉइड करिए, आप अधिक मात्रा में रफेज डाइट लेने की कोशिश करिए, सलाद लेने की कोशिश करिए, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिलेगा। अगर कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा है तो फिर आप लैक्जेटिव का यूज कर सकती हैं, लेकिन इसको भी लैक्जेटिव जो होता है उसको भी बिना मेडिकली डिस्क्रिप्शन के यूज नहीं करना चाहिए। तो आप कॉन्स्टिपेशन के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप अधिक मात्रा में पानी पीजिए और रफेज डाइट का यूज करिए। साथ ही आप कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए कुछ एक्सरसाइज भी कर सकती हैं। अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऐसी कोई एक्सरसाइज आपको नहीं करनी चाहिए जो जिसकी वजह से आपको या बेबी को किसी प्रकार की दिक्कत हो, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या क्या एक्सरसाइज होती हैं इसके बारे में हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आप उसको देख लेती हैं तो आप इजीली समझ जाएंगे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगी। नेक्स्ट जो कॉमन प्रॉब्लम होती है वो होती है हार्ट बर्न की। हार्ट बर्न को जो मेडिकल टर्म में हम पैरोसिस बोलते हैं, अधिकतर एग्जाम में आता भी है कि हार्ट बर्न को मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, तो आप मेडिकल टर्म बता सकते हैं कि जो हर्ट होता है उसको हम पैरोसिस बोलते हैं। अब हार्ट बर्न के बारे में देखेंगे आखिर ये होता क्यों है। तो देखिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब थर्ड ट्राइमेस्टर होता है तो उस समय एक हार्मोन्स होता है जिसको प्रोजेस्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये जो हार्मोन्स होता है प्रोजेस्ट्रॉन,
इसका जो लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है, लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट जो फीमेल्स होती है उसको हार्टबर्न होता है। साथ ही जो कार्डिक स्पिंचर होते हैं वो भी थोड़ा सा शिथिल हो जाते हैं, इसकी वजह से भी हार्टबर्न की प्रॉब्लम्स होती है। अब यहाँ पे एक कॉमन चीज ये भी है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, जैसे जैसे ही जेस्टेशनल एज बढ़ती है, तो थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो जेस्टेशनल एज बढ़ने के साथ साथ जो मदर का यूट्रस होता है वो भी बढ़ता है। जैसे जैसे ये यूट्रस बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है कि ये जो डायफ्राम होता है, यहाँ पे जो डायफ्राम होता है, तो जब ये यूट्रस बढ़ेगा और यहाँ पे डायफ्राम है तो ये डायफ्राम को प्रेस करेगा, डायफ्राम को प्रेस होने की वजह से ये ऊपर की तरफ जाएगा, और जब डायफ्राम प्रेस होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, साथ ही जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उस पर भी इफेक्ट डालेगा, और जो कार्डिक स्पिंचर है उस पर भी इफेक्ट डालेगा, चूँकि सराउंडिंग जो भी एरिया है सब भी सप्रेस हो रहा है, इसकी वजह से जो फीमेल्स होगी उसको हार्टबर्न होता है, और ये थर्ड ट्राइमेस्टर में अधिकतर होता है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं हार्टबर्न की वजह से, या फिर थोड़ा सा कैसे इससे रिलीफ पा सकते हैं। तो हार्टबर्न में मेनली होता ये है कि जो मदर की डाइट है, डाइट का विशेष ध्यान रखा जाता है। जब भी हार्टबर्न हो रहा है तो हमारी जो डाइट होती है वो उतनी ही रहेगी, लेकिन जो उसकी फ्रिक्वेंसी है उसको हम बढ़ा देते हैं, साथ ही फ्लूड इनटेक अधिक कर देते हैं, मतलब अधिक मात्रा में पानी पीते हैं, और जो फैटी या फिर ऑयली फूड होगा उसको हम अवॉइड करते हैं। एक्टिविटी होती है जिसमें करते क्या है कि जो फीमेल होती है जिसने प्रेगनेंसी कंसीव की हुई है उसका, उसके बेड का जो हेड वाला पार्ट होता है, मतलब जिधर वो अपना सर करती है उस वाले एरिया को हम थोड़ा सा एलिवेट कर देते हैं, या फिर डबल पिलो का यूज कर सकते हैं, या फिर हम ये भी करते हैं कि बेड के नीचे हम ब्रिक का यूज कर सकते हैं, एक एक ब्रिक लगा दीजिए दोनों तरफ हेड एंड की तरफ, तो इसकी वजह से भी जो मदर के जिधर वो हेड करती है वाला एरिया थोड़ा सा एलिवेट हो जाएगा, जिससे उसको हार्ट बर्न में थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। साथ ही जब मदर खाना खाती है मॉर्निंग में, इवनिंग में या फिर नाइट में, तो तुरंत ही उसको बेड पे नहीं जाना चाहिए, उसको कम से कम 15 से 20 मिनट तक वॉकिंग करनी चाहिए, जिसकी वजह से डाइजेशन में उसको थोड़ा सा सही रहेगा, और साथ ही उसको जो हार्ट बर्न की प्रॉब्लम्स है उससे थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती है वो होती है लेग क्रैम्प की, या फिर इसको बोलते हैं मसल्स क्रैम्प की प्रॉब्लम्स होती है। इसमें क्या होता है कि जो फीमेल्स होती हैं उनके पैरों में बहुत ज़्यादा मरोड़ लाइक होता है या पेन होता है, जिसको हम लेग क्रैम्प बोलते हैं। अब ये क्यों होता है इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है कि जो फीटस होता है वो बनता रहता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बनने की कंडीशन में होता है, तो उस समय उसको बहुत ज़्यादा मिनरल की ज़रूरत पड़ती है, खास करके कैल्शियम की। तो वो कैल्शियम लेता कहाँ से, मदर से। तो इसमें होता क्या है, लेग क्रैम्प क्यों होता है, जब कैल्शियम जो होता है उसका लेवल कम हो जाता है, और साथ ही जो फास्फोरस होता है इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। इन दो सिचुएशन में ही लेग क्रैम्प होता है, और ये अधिकतर होता है क्योंकि मदर जो होती है वो सप्लीमेंट के रूप में कैल्शियम लेती है, डाइट के रूप में कैल्शियम लेती है, लेकिन जितने अमाउंट में ज़रूरत होती है फीमेल को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैल्शियम की, वो उतना नहीं ले पाती या फिर कम लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसको लेग क्रैम्प की प्रॉब्लम्स होती है। साथ ही जो यूट्रस होता है उसका वेट भी बढ़ता है, जिसकी वजह से भी लेग क्रैम्प्स की समस्या होती है। अब लेग क्रैम्प से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, और एक विटामिन होती है जिसको हम B1 के नाम से जानते हैं, B1 यानी थायमिन। थायमिन एक विटामिन होती है जिसकी कमी से भी लेग क्रैम्प होता है, लेकिन ये बहुत ही माइनर है। B1 के पूर्ति अधिकतर हो जाती है, लेकिन अगर नहीं हो पाती तो उस समय भी लेग क्रैम्प होता है। अब लेग क्रैम्प से रिलीफ पाने के लिए हम क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो देखिए इसमें जनरली आप कर सकते हैं कि जब भी जो फीमेल्स होती है, जब भी वो बेड पे बैठती है तो वो अपने पैरों को हमेशा फैला कर बैठे, कभी भी पैरों को लटका के नहीं बैठना चाहिए। साथ ही जो हैवी वर्क कर रही है, अगर मदर हैवी लिफ्टिंग कर रही है तो उसको नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा दूरी
तक एक साथ नहीं चलना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कहीं आपको जाना है तो आप थोड़ी दूर चल के रेस्ट ले सकती हैं, फिर आप कंटिन्यू चल सकती हैं, लेकिन कंटिन्यूअस आपको नहीं चलना है, बीच बीच में एक इंटरवल आपको लेते रहना है। अगर आपको लेग क्रैम्प हो रहा है तो इसके लिए आप वार्म वाटर होता है उससे लेग वॉश कर सकती हैं, या कुछ देर के लिए एक पॉड लीजिए जो चौड़े मुंह का हो, और उसमें पानी रख के हॉट वाटर गर्म पानी उसमें आप अपने पैरों को डीप करके 10 मिनट 15 मिनट बैठिए, जिसकी वजह से भी आपको रिलीफ मिलेगा। और जो एंटीनेटल एक्सरसाइज होती है उसको करने से भी आपको लेग क्रैम्प में रिलीफ मिलेगा। साथ ही आप इसके लिए ऑइंटमेंट यूज कर सकती हैं, जिसको आप मसाज अप्लाई कर सकती हैं, जिससे आपको लेग क्रैम्प में आराम मिलेगा। यूरिनरी फ्रिक्वेंसी के बारे में कि जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल्स होती हैं उनको 6 प्रॉब्लम्स कौन सी होती है यूरिनरी फ्रिक्वेंसी। अब यूरिनरी फ्रिक्वेंसी होती क्या है, एक्चुअली इसमें होता क्या है कि जो वुमेन होती है उसको बहुत ज़्यादा वाइडिंग होती है। और ये क्यों होती है, देखिए इसमें ये होता है कि जो फीमेल्स होती है जिसने प्रेगनेंसी कंसीव की हुई है, तो ये होता है इसलिए है कि जो यूट्रस होता है जैसे जैसे वो इनलार्ज होता है उसकी वजह से ब्लैडर पे एक प्रेशर पड़ता है, और ब्लैडर पे प्रेशर पड़ने की वजह से जो यूरिनरी स्फिंक्टर होते हैं वो थोड़ा सा वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो मदर होती है उसको वाइडिंग ज़्यादा होती है। और ये कब होती है, देखिए यहाँ पे हमने दिया हुआ है कि जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो यूरिनरी फ्रिक्वेंसी होती है वो बढ़ जाती है। साथ ही जो 12 वीक जब आता है जेस्टेशन, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जैसे ही समाप्त होता है, मतलब आपके 12 वीक जैसे समाप्त होते हैं, तो उसके साथ साथ जो यूरिनरी फ्रिक्वेंसी होती है वो भी नॉर्मल हो जाती है। और थर्ड ट्राइमेस्टर जैसे ही स्टार्ट होता है तो फिर यूरिनरी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। तो ये सारी कंडीशन आती हैं जब भी मदर प्रेग्नेंट होती है। अब हम देखेंगे ट्रीटमेंट के बारे में कि हमको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो देखिए इसमें जो फीमेल्स होती है उसको नॉर्मली रात में जब वो सोती है, खाना खाने के बाद, हल्की वॉकिंग करने के बाद, उस समय उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने से अवॉइड करना चाहिए। ड्यूरिंग फूड टेकिंग आप जो भी वाटर ले रहे हैं ठीक है, लेकिन सोते समय पानी नहीं पीना चाहिए, जिससे आपकी जो स्लीपिंग मूड है उसमें डिस्टरबेंस ना हो। साथ ही जो फीमेल्स होती हैं उनको यूरिनरी फ्रिक्वेंसी की वजह से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए जो यूरिनल एरिया होता है उसको अच्छे से क्लीन करने की एडवाइस देनी चाहिए कि जब भी वो यूरिन पास करती हैं, वाइडिंग करती हैं, उस समय अपने जेनिटल एरिया को अच्छे से क्लीन करें, जिससे जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है उससे बचा जा सके। और जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होगी उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना चाहिए, उसको इस बात को समझाना चाहिए कि जो भी आपको यूरिनरी रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है वो सिर्फ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही है। प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी होने के बाद ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड वो सारी सही हो जाएंगी, ये सिर्फ बेबी कंसीव होने की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन की जो प्रॉब्लम्स होती है वो मेनली जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनमें सेकेंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट होता है और ये थर्ड ट्राइमेस्टर के लास्ट तक रहता है। इसमें होता ये है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कंसीव करने की वजह से जो प्रोजेस्टॉन हार्मोन्स होता है, प्रोजेस्टॉन हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज होने की वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी प्रभावित होता है। उसमें जो वेन्स होती हैं, खास करके जो लेग की वेन्स होती हैं, वहाँ की जो वेन्स होती हैं उनके जो वाल्व्स होते हैं वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो कंटिन्यूस नहीं हो पाता है, और वहाँ पे वेरिकोसाइटिस की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, जिसकी वजह से जो फीमेल्स होती हैं उनको वेरिकोज वेन होता है, जिसमें जो वेन होती हैं वो पूरी तरह से उभर आती हैं। चूँकि ब्लड सर्कुलेशन क्लियर हो नहीं रहा है तो जो वेन्स होती हैं उभार लाइक स्ट्रक्चर उनका दिखने लगता है। ये मेनली इसमें होती हैं वल्वा में होती हैं और रेक्टम के सराउंडिंग होती हैं। अगर वेरिकोज वेन रेक्टम के जगह पर होती हैं तो उसमें कभी कभी ये भी होता है कि हेमरॉइड्स की प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होने लगती है। अब इसमें हम देखेंगे कि वेरिकोज वेन से थोड़ा सा रिलीव होने के लिए हम मदर जो होती है उसको क्या क्या एडवाइस दे सकते हैं।
जनरली इसमें आप ये कर सकती हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपने जब भी आप बैठें तो अपने पैरों को कभी भी पूरी तरह से लटका के नहीं बैठना चाहिए, एक सपोर्ट के साथ बैठना चाहिए। क्रॉस सेक्शन में पैरों को फोल्ड करके कभी नहीं बैठना चाहिए। और अगर आप जैसे आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप हॉट एप्लीकेशन यूज कर सकती हैं, जैसे आप गर्म पानी से अपने पैरों को वॉश कर सकती हैं। थोड़ा देर पानी रख के चौड़े मुँह का बर्तन लेके उसमें पानी गर्म रख के और अपने पैरों को डीप करके 10 से 15 मिनट तक बैठेंगी तो इससे भी आपको रिलैक्स होगा। आप मसाज कर सकती हैं और रेगुलर एक्सरसाइज कर सकती हैं, टाइम टाइम वॉकिंग कर सकती हैं, इसकी वजह से आपको वेरिकोज वेन में रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल्स में, वो होती है ब्रेस्ट टेंडरनेस। ब्रेस्ट टेंडरनेस जो होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेके थर्ड ट्राइमेस्टर तक कंटिन्यूस रहती है। क्योंकि इसमें जो ब्रेस्ट टेंडरनेस होने का रीजन होता है उसमें ये होता है कि जो फीमेल्स होती हैं उसमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद जो इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन्स होते हैं, एक होता है इस्ट्रोजन एंड एक होता है प्रोजेस्टेरोन, ये जो दोनों हार्मोन्स होते हैं इनका लेवल इंक्रीज होने की वजह से जो ब्रेस्ट टेंडरनेस होती है उसकी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब ये क्यों होते हैं? एक्चुअली जब मदर प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उस समय मिल्क का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। मिल्क के फॉर्मेशन के लिए इन दो हार्मोन्स का होना बहुत ही नेसेसरी है। तो जैसे ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो इनका जो इफ़ेक्ट होता है वो ब्रेस्ट टेंडरनेस के रूप में दिखाई देता है। तो अधिकतर मदर्स को ये प्रॉब्लम्स होती है। तो देखिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आपको ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, होती ही है, सबको होती है, 90% औरतों को ये प्रॉब्लम्स होती है, तो उसमें आप नॉर्मली आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में रहें। साथ ही जो भी आप क्लॉथ्स यूज कर रहे हैं वो सपोर्टेड हों, जैसे अगर आप जो भी अंडरगारमेंट्स यूज कर रहे हैं वो वेल सपोर्टेड होने चाहिए, जिससे जो स्ट्रक्चर है वो भी आपका मेंटेन रहेगा, साथ ही आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट जो आपका पर्सनल हाइजीन है उसको आप पूरी तरह से मेंटेन करके रखिए, जिसकी वजह से आपको बाद में और अभी भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। साथ ही कंटिन्यूस बेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन भी करते रहना चाहिए, क्योंकि उस समय अगर फीमेल्स ध्यान नहीं देती ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो आफ्टर डिलीवरी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहते हैं। जैसे अगर आपने अच्छे से क्लीननेस नहीं किया, उस एरिया की देखभाल नहीं की, निप्पल्स की क्लियर देखभाल नहीं की, ब्रेस्ट की केयर नहीं किया, तो आपको फीडिंग के समय प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए ये इस सारी प्रिपरेशन आपको पहले ही करनी पड़ती हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं तो आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। तो यहाँ पे जो भी माइनर डिसऑर्डर थे उसके बारे में मैंने आपको बताया, साथ ही जो उसका जनरल ट्रीटमेंट है उसके बारे में मैंने आपको बताया। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आपको एक लिमिट से ज़्यादा हो रही है तो आप वहाँ पर डॉक्टर की जो एडवाइस है उसको ले सकती हैं, लेकिन आप कोई भी मेडिकेशन अपने मन से मत लीजिएगा। आप कोई भी अगर मेडिसिन यूज कर रही हैं तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बात का खास ख्याल रखिए कि विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी मेडिसिन ना लें। हाँ, घरेलू जो ट्रीटमेंट है आप वो ले सकती हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।